चरखी दादरी में सरकार की तरफ से प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की 28 मार्च और गेहूं की 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा के साथ ही दादरी की मंडी में सरकारी खरीद को लेकर तैयारियां हो रही हैं। इस बार मंडी प्रशासन की तरफ से मंडी गेट सहित धर्मकांटों और मंडी में कई स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तस्वीर रिपोर्ट के जरिए चरखी दादरी में सरकार की तरफ से प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की 28 मार्च और गेहूं की 1 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा के साथ ही दादरी की मंडी में सरकारी खरीद को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार मंडी प्रशासन की तरफ से मंडी गेट सहित धर्म कांटों और मंडी में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मंडी अधिकारियों ने प्रबंधों से पुख्ता दावे किए और वहीं आढ़तियों ने चौकीदार की नियुक्ति सहित उठान प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई है। मंडी प्रधान रामकुमार रिटूलिया ने कहा कि चोरी की घटनाएं होने की संभावनाओं को लेकर मंडी में चौकीदार की नियुक्ति जरूरी है। इस बार मंडी में उठान को लेकर समस्याएं ना हो, इस बार भी मंडी के आला अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। मंडी के अंदर एक भी चौकीदार नहीं है, जो कि हर साल 2-3 चोरियां होती रहती हैं। और कम से कम हमारे बालकृष्ण अग्रवाल जो कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहता और उन्होंने मेरी सेक्रेटरी बोर्ड से बात कराई थी। ये बात है कोई 12-13 तारीख की, तो जब उन्होंने कहा था कि हमने 8 चौकीदार मंजूर कर दिए हैं और आपके जल्दी जल्दी फसल खरीद शुरू होने से पहले लग जाएगी। उधर मंडी सुपरवाइजर राकेश कुमार ने बताया कि मंडी में खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए, बिजली पानी सहित पूरे प्रबंधों को बीच सरकारी खरीद के प्रबंधन किए जा चुके हैं। सुलभ शौचालय वगैरह सब 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 चीजों की सफाई करा दी है, बिजली पानी ओके हैं और पूरी चारों पांचों पैवों की वो सफाई करा के उन्हें पानी पानी व्यवस्था, मोटर वोटर व्यवस्था सारी ठीक है। और हमारे काटे वाटे भी सब ठीक हैं किसी प्रकार के, और कैमरे भी रेगुलर में चल रहे हैं हमारे, सब ठीक ठाक है जी। सफाई की पूरी तैयारी है, छोटी मोटी को कमियाँ होंगी वो हम दुरुस्त करा लेंगे आज और कल में। 28-3 से तो ये सरसों की है सर, और 1-4 से गेहूं की है। रेस्ट हाउस है सर उनके, रुकने के लिए आराम से रुको, ठंडा पानी पियो और पूरी व्यवस्था है सर उनके लिए। बहरहाल अनाज मंडी में सरकारी खरीद को लेकर मंडी प्रबंधन की तरफ से शेड्स को खाली करवा दिया गया और साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पिछली बार जहां आढ़तियों और किसानों को उठान की समस्या आई थी, इस बार उठान को लेकर भी मंडी प्रशासन काफी गंभीर है। बिजली पानी के अलावा किसानों के लिए रेस्ट हाउस में भी उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।